अच्छा बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि मजीद बेहतरी के लिए कितनी गुंजाइश मौजूद है जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं आपकी जानिब से चेयरमैन पीटीआई को? देखिए जी, बेहतरी तो हर वक्त, कानून एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेहतरी हर वक्त उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो लिटिगेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि जी इंसाफ तो मिलता है या अगर नहीं भी मिलता बट ताखीर से बहुत मिलता है। तो ये हमारी डिस्कशन का महवर था। और इमरान खान साहब ने जवाब में अपना एक वाकया भी सुनाया जिसमें उनका एक दोस्त और उससे गालिबन कोई उसके ड्राइवर से मर्डर हो गया था, लेकिन उस मर्डर के रिजल्ट में 2-3 मर्डर और हो गए क्योंकि उसकी कन्विक्शन बहुत लेट हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आज डिस्कस। अच्छा, पीटीआई चेयरमैन से तो मुलाकात हुई, तजावीज आप लोगों ने पेश की। अब बेसिकली आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैरिस्टर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है मजीद इसके साथ साथ किन लाहे अमल पर काम करेगी, मजीद भी इस हवाले से मुलाकात हो सकेगी दूसरी पार्टी के लोगों से? देखिए जी, हमारा जो एजेंडा है वो तो ये है कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स जो कि लेजिस्लेशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं उनके साथ बेसिकली मीटिंग्स की जाए। और मैं चाहूंगा कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी के हेड को मिले, जो जो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है अच्छी लेजिस्लेशन अच्छी लीगल रिफॉर्म के लिए हम उसको मिले, बिकॉज हमारा एजेंडा इज वेरी प्रोफेशनल और हम इसको बिल्कुल एकेडेमिकली और एक पढ़े लिखे वकला की तरह, जिस तरह के हमारे बेशतर वकला पढ़े लिखे हैं, उनको आगे लेकर चलना चाहते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव और अच्छा प्रेशर ग्रुप बने और एक पाकिस्तान का इमेज दुनिया में भी बहुत अच्छा जाए कि यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग हैं जो लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बिलीव करते हैं और अच्छी कानून साजी से ही माशरे जो है वो तरक्की करते हैं और बेहतर बनाते जाते हैं। जी बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, बहुत शुक्रिया आपका।